मेरा नाम है हार्दिक और आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग विद हार्दिक यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो हमारे गुलाब का पौधा है उसको रिपोर्ट करने की एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप इस तरीके से आप अपने पौधे को रिपोर्ट करेंगे तो आपको गुलाब का पौधा कभी नहीं जलेगा। और एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि गुलाब के पौधे को ऐसा किस तरीके से लगाए जो उसके लगाने के बाद जो उसमें काफी सारे फूल आए, तो पूरी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ये पन्नी है जिसकी ब्लैक पॉलिथीन है उसको आपको किसी शार्प चीज की मदद से जैसे कैंची ब्लेड की मदद से आपको इसे काट लेना। और फिर काटने से पहले आपको एक चीज ले लेनी है जो है ये टब, और टब के अंदर आपको ले लेना है टब बाल्टी, इसके अंदर आपको इसके अंदर पानी ले लेना है। फिर आप इस पॉलिथीन को काट दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसे काट लिया हूँ, बस आपको क्या करना है इसे आराम से निकालना है जिससे ये इसकी रूट थोड़ी डिस्टर्ब ना हो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नॉर्मल मिट्टी में लगा हुआ है, पर आप नीचे देखेंगे तो चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है। तो आपको इसे ऐसे फोर्स नहीं करना, मतलब इसको नीचे से ऐसा हटाने नहीं, आपको क्या करना है एक टब ले लेना और टब के अंदर इसे आराम से अभी ऐसे ऐसे करते रहना है। इसे धीरे धीरे ये आपकी मिट्टी में से ऐसे अच्छे से घुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस आपको ऐसे धीरे धीरे इस मिट्टी में ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करता रहना है जिससे ये आराम से इसका ही निकल जाए रूट बॉल। तो मैं आपको इसे एक बार ऐसे कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। कोई बात नहीं कि आपका पौधा खराब हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो रिपोर्टिंग करने का समय आप शाम को ही लीजिए। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं कि आपका पौधा खराब हो जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है बिल्कुल आराम आराम से ही निकालिए और फिर धीरे धीरे आप इसे और करते रहिए। आपको क्या करना है इसको किसी बड़े पॉट में अभी इसको ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिट्टी, कोकोपीट, कंपोस्ट और रेत मिला के इस कंपोस्ट को जो मैं सॉइल मिक्स है इसको तैयार कीजिए। और अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपको इसे रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने के लिए बस आपको ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं लेना है, आपको थोड़ा बहुत गहरा इसके अंदर गड्ढा कर लेना है, जिससे आपको ज्यादा भी नहीं करना, क्योंकि फिर अगर आप ज्यादा गहरा गड्ढा कर देंगे तो फिर आपके पौधे को नीचे जगह तो मिलेगी नहीं जड़े फैलाने के लिए। और फिर आपको क्या करना है, अब इसको इसमें आराम से ऐसे लगा देना है। बस आपको ऐसे बिल्कुल डरना नहीं है कि आपका पौधा खराब हो जाएगा, बस आप आराम आराम से मिट्टी को हटाइए और फिर इस पौधे को लगा दीजिए। और अब मिट्टी आपको पौधा बिल्कुल सीधा लगाना है, बस आपको ये ध्यान देना है इसकी जड़ें टूटे ना, और फिर अच्छे से मिट्टी को दबा दीजिए। और फिर लगाने के बाद आप इसे तुरंत वाटर कैन की मदद से पानी डालना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमने इसकी मिट्टी को हटा लिया था इसलिए मैंने पहले ही सॉइल मिक्स के अंदर आधे घंटे पहले ही थोड़ा पानी मिला दिया था और गमले के अंदर पानी भर दिया था जिससे ये सॉइल मिक्स थोड़ा गीला हो जाए और हमारे पौधे को अचानक से कोई ट्रांसफर शॉक में ना चला जाए। अब आपको क्या करना है, इस पौधे को वाटर कैन की मदद से अच्छे से इस पौधे के अंदर पानी डाल देना है। आपको अच्छे से बिल्कुल पानी डालना है, क्योंकि जब तक आपका ये नीचे से ड्रेनेज सिस्टम के कारण निकले ना तब तक आपको इसके अंदर पानी भरता रहना। अब जो स्पेशल ट्रिक आती है जिससे आपका गुलाब का पौधा कभी खराब नहीं होगा वो ट्रिक मैं अब आपको बताता हूँ। इस ट्रिक को आपको गौर से सुनना है, इस ट्रिक को मैं आपको एक बार कैमरा थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस जगह से आपको ये देखना है कि जो आपके पौधे की न्यू ग्रोथ कहाँ से हो रही है। तो जैसे ही एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं और वो लाते वक्त ये टूट जाता है तो आपको क्या करना है उसके गीला गोबर उसके चिपका देना है, थोड़े दिनों में इसकी नई पत्तियां भी निकलने लग जाएगी। जैसे मेरे यहाँ से ये टूट गया था पर अब इसके अंदर नई पत्तियां निकलने लग गई है। अब जो स्पेशल ट्रिक जो आपको इस पौधे के अंदर करनी है वो आपको क्या करना है, आपको गौर से देखना है जिस जगह से आपके पौधे में न्यू ग्रोथ हो रही है तो उसके पास वाली जो मेन ब्रांच है उसको आपको काट देना है। जैसे मैंने इस जगह कराया, आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से न्यू ग्रोथ हो रही है तो मैंने इस ब्रांच को काट दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू ब्रांच को काट दिया, और यहाँ से जब ये ब्रांच निकलेगी तो न्यू ब्रांच के कारण ये पौधा एकदम हरा भरा हो जाएगा और एक महीने के अंदर आपका जो ये पौधा है ये पूरा का पूरा फूलों से भर जाएगा। मिल गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो।